एकीकडे देशाची अर्थव्यवस्था संकटात आली असताना याबाबत न बोलता रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळातील भ्रष्टाचाराबाबत टीका केली आहे आणि आमच्या सरकारवर एकही भ्रष्टाचाराचा डाग नसल्याचं स्पष्टीकरण दिलंय. पुण्यात ते उमेदवारांच्या प्रचाराकरता आले होते. तत्पूर्वी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला, त्यावेळी त्यांनी बोलले. मनमोहन सिंग यांच्या काळात ज्यांनी भ्रष्ट लोकांना पाठीशी घातलं आणि अशा व्यक्तीने देशाच्या अर्थव्यवस्था डबघाईला काढली, त्यांनी यावर न बोललेलं बरं असं म्हणत पियुष गोयल यांनी जर या देशात रेल्वेचा विस्तार आणि नागरिकांच्या सोयीसुविधा द्यायच्या असतील तर खाजगीकरणातनं काही गोष्टी कराव्या लागतील, पण पूर्णतः रेल्वेचं खाजगीकरण केलं जाणार नाही असा खुलासाही गोयल यांनी केला आहे. मुझे तो आश्चर्य लगता है कि इतने बड़े अर्थशास्त्री जिन्होंने वर्षों तक इकोनॉमी पे हम सबको ज्ञान दिया, उनको इतना भी ध्यान नहीं आया कि जो लाचारी की हालत में देश को उन्होंने छोड़ा था 2014 में, उसको किस प्रकार से महाराष्ट्र और देश में बदलाव किया गया है गत 5 वर्षों में, उसकी बेसिक एलिमेंट्री समझ भी इतने बड़े अर्थशास्त्री को ना होना मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज की बात है. बहुत ही मुझे आश्चर्य होता है सोच के देख के. आप सबको याद होगा कि मनमोहन सिंह जी के समय इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के कांड हुए, चाहे वो टेलीकॉम का स्कैम हो 1,76,000 करोड़ का, चाहे वो कोयले का स्कैम हो 1,86,000 करोड़ रुपए. और कोयला मंत्री रहने के नाते मैंने तो 5 साल उस एक एक फाइल को देखा है. मैं आश्चर्यचकित रह गया कि सो कॉल्ड ऑनेस्ट लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर कैसे, और वो कोल मंत्री भी थे, उनके नीचे MOS काम करते थे, कैसे ऐसी फाइलों को अप्रूव कर सकते थे, कैसे इस प्रकार के कोयले के ब्लॉक्स आवंटन कर सकते थे, हर रूल को डिसरिगार्ड करके, हर ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी की बेसिक टेनेट्स को डिस्कार्ड करके उन्होंने कैसे ऐसा काम किया. और उनकी आंख के सामने सब स्कैम्स हो रहे थे, चाहे कॉमनवेल्थ स्कैम हो, चाहे आदर्श स्कैम हो, चाहे महाराष्ट्र का NCP का इरिगेशन स्कैम हो, और एक के बाद एक और स्कैम्स निकलते ही जा रहे हैं उनके समय के.